बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सिमेट्री में हमने आज डिस्कस करना है रोटेशन एक्सिस। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि देर आर थ्री सिमेट्री ऑपरेशंस, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन। ये तीन सिमेट्री ऑपरेशन हैं और जिस एक्सिस, जिस प्लेन या जिस पॉइंट के अराउंड सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, उस एक्सिस, उस प्लेन या उस पॉइंट को कहते हैं सिमेट्री एलिमेंट। रोटेशन का प्रोसेस किसी एक्सिस के इलांग होगा, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस किसी प्लेन के इलांग होगा। किसी ख़ास प्लेन में आप मिरर रखेंगे तो मॉलिक्यूल की रिफ्लेक्शन इनडिस्टिंग्विशेबल होगी, और इन्वर्जन का प्रोसेस किसी पॉइंट के इलांग होता है। तो ये एक्सिस, प्लेन या पॉइंट जिसके इलांग रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन को परफॉर्म करके मॉलिक्यूल को इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में ले जाया जाता है, इस एक्सिस, इस प्लेन या इस पॉइंट को कहते हैं सिमेट्री एलिमेंट। एन एक्सिस, अ प्लेन और अ पॉइंट अराउंड विच सिमेट्री ऑपरेशन इज कैरियड आउट इज कॉल्ड सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट पाँच तरह के होते हैं। आइडेंटिटी, रोटेशन एक्सिस, रोटेशन एक्सिस को प्रॉपर रोटेशन भी कहते हैं और इसको एन फोल्ड रोटेशन भी कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी एन से। रोटेशन एक्सिस को प्रॉपर रोटेशन भी कहते हैं और इसको एन फोल्ड रोटेशन भी कहते हैं, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सी एन से। ये इसकी सिंबल है सी एन। अनदर सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री एलिमेंट इज मिरर प्लेन, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन प्लेन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है सिग्मा। फोर्थ सिमेट्री एलिमेंट इज इम्प्रॉपर रोटेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस, या इसको बाज लोग रिफ्लेक्शन रोटेशन एक्सिस भी लिखते हैं, और इसको एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिफ्थ सिमेट्री एलिमेंट इज इन्वर्जन पॉइंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्जन सेंटर। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। इन तमाम सिमेट्री एलिमेंट्स को हम जरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब फर्स्ट सिमेट्री एलिमेंट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है टू डू नथिंग। अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को 360 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर लें तो मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इस सिमेट्री एलिमेंट को कहते हैं आइडेंटिटी। इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सिमेट्री एलिमेंट हर ऑब्जेक्ट में और हर मॉलिक्यूल में होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट या वो मॉलिक्यूल कितना ही बेढंगा क्यों ना हो, उसमें आइडेंटिटी ज़रूर होगी। किसी भी मॉलिक्यूल को अगर 360 डिग्री पे रोटेट किया जाए तो वो मॉलिक्यूल अपनी एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इस सिमेट्री एलिमेंट को कहते हैं आइडेंटिटी। एंड दिस सिमेट्री एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड इन ऑल मॉलिक्यूल। इसे ई से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, ई स्टैंड्स फॉर एन हाइट, इसका मतलब है, या इसको आइन हाइट भी पढ़ सकते हैं। आइन हाइट मीन यूनिट। अब इसको यूनिट क्यों कहते हैं ये हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, ये थोड़ी देर बाद हम इसे डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई का मतलब है आइन हाइट और आइन हाइट का मतलब है यूनिट। अब इसको यूनिट क्यों कहते हैं, वी विल एक्सप्लेन इट आफ्टर सम टाइम। एक वजह इसकी कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन वन है। आइडेंटिटी को यूनिट इसलिए कहा जाता है, इट इज़ बिकॉज इन केस ऑफ आइडेंटिटी ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज वन। आइडेंटिटी मीन्स टू डू नथिंग, यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कुछ भी ना करें तो भी इसका मतलब है कि आपने उस पर आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है। किसी भी सिमेट्री ऑपरेशन के बाद अगर आइडेंटिटी अप्लाई की जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों कि आइडेंटिटी का मतलब है टू डू नथिंग। तो अगर आपने किसी ऑपरेशन पर आइडेंटिटी अप्लाई कर दी तो इट मीन इट इज़ सेम ऑपरेशन।
यानी अगर आपने किसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री के इलांग रोटेट किया, अगर आप किसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री के इलांग रोटेट करें, इस सिमेट्री एलिमेंट को कहते हैं C2। इसको थोड़ी देर बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे कि C2 को कैसे परफॉर्म किया जाता है। अगर आप किसी मॉलिक्यूल को 180 पे अप्लाई करें, फिर उसके बाद आइडेंटिटी अप्लाई करें, तो हमने कहा आइडेंटिटी का मतलब है टू डू नथिंग। तो रोटेशन थ्रो 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी, इट मीन सेम ऑपरेशन, यानी अगेन इट मीन रोटेशन थ्रो 180 डिग्री। C2 सिमेट्री एलिमेंट आपने अप्लाई किया, इसके बाद आपने आइडेंटिटी अप्लाई किया, तो आइडेंटिटी का तो मतलब है कि हमने कुछ भी नहीं किया, टू डू नथिंग, इट मीन कि आपने C2 ही अप्लाई किया है। सिमिलरली अगर किसी मॉलिक्यूल को आपने 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया, इस सिमेट्री एलिमेंट को कहते हैं C3। अब C3 अप्लाई करके अगर आप आइडेंटिटी अप्लाई करें, इसका मतलब है कि आपने C3 ही अप्लाई किया है, अगेन इट मीन रोटेशन थ्रो 120 डिग्री, एंड दैट इज सिमेट्री एलिमेंट इज कॉल्ड C3। ये बातें शायद इस वक्त आपको समझ ना आ रही हों, लेकिन थोड़ी देर बाद ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी आज के ही लेक्चर में। अब आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी, इट मीन आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब है टू डू नथिंग, हमने कुछ नहीं किया। अगर आपने पहले भी कुछ नहीं किया और बाद में भी कुछ नहीं किया, तो फिर इसका मतलब है आपने कुछ भी नहीं किया। आइडेंटिटी मीन टू डू नथिंग। आप फारग बैठे हैं, आपने पहले एक घंटे में कुछ नहीं किया और अगले एक घंटे में भी कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। तो ये 0 × 0 = 0, 1 × 1 = 1। सिमिलरली आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब एक बात जहन में आती है कि अगर आइडेंटिटी का मतलब है कि हमने कुछ भी नहीं किया, तो फिर इसे डिस्कस करने की ज़रूरत क्या है? डिस्कस तो उसे किया जाता है जो कोई काम किया हो, कोई बंदे ने कोई काबिल फ़ख्र काम किया हो, कोई सिग्निफिकेंट काम किया हो। मैं कहता हूँ मैं लेक्चर दे रहा हूँ, चलें ये मेरा क्रेडिट है। आपने सुबह से उठ कर पढ़ना शुरू कर दिया, ये आपका क्रेडिट है। आपने नमाज पढ़ी, आपने तिलावत की, आपने अपने वालदैन की फरमा बरदारी की, आपने मॉर्निंग वॉक की, ये आप जब आप थक गए आपने रेस्ट कर लिया, ये भी एक सिग्निफिकेंट काम है। काम करने के बाद रेस्ट करना, ये भी सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर आप सारा दिन फारग बैठे रहे, आपने सिर्फ मोबाइल पे चैट किया, आपने गप्पें लगाई, आवारा गर्दी की, तो इट मीन यू हैव डू नथिंग। और ये डू नथिंग जितनी दफ़ा भी हो जाए, ये डू नथिंग ही रहता है। आप कहते हैं जी मैं 6 से 7 बजे तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 7 से 8 बजे तक भी कुछ नहीं किया, फिर मैंने 8 से 9 बजे तक भी कुछ नहीं किया, इस तरह आप बात को एक्सटेंड करते जाएं रात तक, तो सारे दिन में फिर आपने कुछ भी नहीं किया। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया, तो फिर इसको बताने की ज़रूरत क्या है? एवरीडे लाइफ में तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में, सिमेट्री में इसे बताने की ज़रूरत है। और इसकी वजह आपको समझ आएगी जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे। आइडेंटिटी इज कंसीडर्ड टू सेटिस्फाई सम मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स इन ग्रुप थ्योरी। अगर आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ने का मौका मिलेगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि सिमेट्री को हमें बार बार हमें क्यों डिस्कस करना पड़ा, इसकी भी कोई वजह है। इसका मतलब है कोई काम ना करना, ये भी एक काम है। तो आइडेंटिटी इज कंसीडर्ड टू सेटिस्फाई सम मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट इन ग्रुप थ्योरी। तो ये पहला सिमेट्री एलिमेंट हमने पढ़ लिया, जिसको कहते हैं आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का मतलब है टू डू नथिंग। लेकिन आइडेंटिटी को डिस्कस करना, ये डू नथिंग नहीं है, ये आपने कुछ ना कुछ डिस्कस फिर भी किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, ये थोड़ी देर पहले मैंने क्लेम किया था कि रोटेशन एक्सिस हम आज ही डिस्कस करेंगे, तो ये आज ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।